दोस्तों अगस्त ये महीना पूरी दुनिया को इंसान की क्रूरता और पागलपन के बारे में बताता है। जी हाँ, इस महीने आज से पूरे 76 साल पहले 6 और 9 अगस्त को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। पहले मैं बताऊंगा कि वहां पर एटॉमिक बॉम्ब से वहां पर रह रहे लोगों का क्या हशर हुआ, और फिर हम बात करेंगे उस बंदे की जो 2 एटॉमिक बॉम्ब से भी बच गया। अगर हम बात करें उन बॉम्ब से हुए नुकसान की, हिरोशिमा समतल जगह पर लोकेटेड है और वहां पर 15 किलो टन की पावर का बॉम्ब फेंका गया। समतल होने की वजह से जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहां से लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी तक सब कुछ तहस नहस हो गया, खत्म। मतलब 1.6 किलोमीटर रेडियस है तो उसके 360 डिग्री गोलाकार में देख लो कितना होगा। कुछ 50 से 60 खोखली बिल्डिंग बची थी। उन बिल्डिंग्स की खड़े होने की वजह ये थी कि उन बिल्डिंग्स को जापान में आमतौर पर आने वाले अर्थक्वेक से बचाने के लिए ही बनाया गया था। आपको ऐसे लग रहा होगा कि 3 किलोमीटर क्या है, कितना होता होगा, घर से बाहर निकलो और पैदल चल के देखो, पता लग जाएगा कितना होता है। 200 तबाही ही तबाही थी। जापान के लिए बेहद दर्दनाक दिन था। उस दिन हिरोशिमा में लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और जिस दिन यह घटना हुई वो दिन था 6 अगस्त। तो अब बात करते हैं उसके 3 दिन बाद की, यानी कि 9 अगस्त की। नागासाकी पर गिरने वाला बॉम्ब करीबन 25 किलो टन का था, मतलब हिरोशिमा पर गिरने वाले बॉम्ब से भी 1.5 गुना ज्यादा खतरनाक था। पर क्योंकि नागासाकी पहाड़ी एरियों पर था, इसलिए बॉम्ब इतना खतरनाक होने के बावजूद सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में ही तबाही मचा सका। अमेरिकियों ने पूरी तैयारी के साथ वहां की इंडस्ट्रियल एरिया पर बॉम्ब को गिराया ताकि अगर दुश्मन खड़ा होना भी चाहे तो उसकी कमर टूट जाए। वहां पर 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले घर पूरी तरह से तबाह हो गए और करीब 75,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोनों ही जगह पर ब्लास्ट की 1 किलोमीटर की रेंज में आदमी, औरतें, बच्चे और जानवर पलक झपकते ही भाप बन गए। 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोग जिंदा बच गए और वो इतनी बुरी तरह से घायल हुए कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम मर क्यों नहीं गए। 2 से 4 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते ब्लास्ट ने थोड़ा रहम किया, लोग बुरे तरीके से घायल हुए और मरने वालों की परसेंटेज में थोड़ी सी गिरावट हुई, और 4 से 8 किलोमीटर की रेंज में बहुत बुरी तरह से घायल हुए, सबके घर उजड़ गए, जीवन अस्त व्यस्त हो गए। अब बात करते हैं उस अकेले सर्वाइवर की जिसने दोनों बम धमाकों को झेल कर भी अपनी जान बचा ली, मतलब उसने दोनों बम धमाकों को अपनी आंखों से देखा और बच भी गया। 29 साल का स्टोमो यामागुची एक इंजीनियर जिसे नौकरी के दौरान काम से हिरोशिमा में 3 महीने के लिए रहने के लिए जाना पड़ा, उस बंदे ने बताया कि सुबह करीब 8:15 बजे उसने एक अमरीकी बॉम्बर जहाज जो B-29 था उसकी गड़गड़ाहट सुनी और एक चीज 2 पैराशूट के साथ नीचे आ रही थी। उसके बाद उसे याद है तो सिर्फ एक रोशनी और एक तेज धमाका। इसका मतलब यह था कि अमरीकियों ने पहला एटम बॉम्ब गिरा दिया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, छोटा बच्चा। यामागुची जो ब्लास्ट के सेंटर पॉइंट से 3 किलोमीटर दूर था वो अपनी जगह से पीछे जाकर गिरा शॉक वेव की वजह से, और उसकी अपर बॉडी काफी हद तक जल गई और उसके कान का पर्दा भी फट गया। एक पूरी रात एयर शेल्टर में गुजारने के बाद वो सुबह पश्चिम दिशा में एक स्टेशन की ओर निकल गया। ब्रिज टूट चुका था और उसे नदी पार करने के लिए पानी के बीच में से गुजरना था, और वहां पर फूली हुई लाशें तैर रही थी। कुछ लाशों पर तो मांस भी नहीं था, हड्डियां दिख रही थी, और इस सीन को इमेजिन करते हुए भी मैं डर रहा हूँ। सोचो इस बंदे ने इस सिचुएशन में कैसे उस नदी को पार किया होगा। लाशों के ढेर को पार करके और उनका सहारा लेते हुए जैसे तैसे करके वो स्टेशन पर पहुंचा, पता नहीं कैसे लेकिन ट्रेन चल रही थी, और ये बंदा अपने घर नागासाकी पहुंच गया। 24 घंटे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद ये बंदा अपने घर जाता है, अपने बॉस को अपने साथ हुए वाक्या के बारे में बताता है। बस बता ही रहा था, बस इतने में हुआ एक और धमाका। जी हाँ, अमरीकियों ने दूसरा एटम बॉम्ब जिसका नाम था द फैट बॉय उसे नागासाकी पर गिरा दिया था, और इस बार भी यामागुची बॉम्ब सेंटर से लगभग 3 किलोमीटर दूर था और इसने इस धमाके को भी झेल लिया। 2009 में जापान के द्वारा स्टोमो यामागुची को एक स्टेटस दिया गया, एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन, डबल हिबाकुशा, मतलब सर्वाइवर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स। वैसे तो और भी काफी लोग थे जिन्होंने यामागुची के साथ हिरोशिमा से नागासाकी की ओर सफर किया हिरोशिमा के धमाके के बाद, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दूसरे बॉम्ब ब्लास्ट में वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, भाप की तरह उड़ गए, उनका नामो निशान नहीं मिला। दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, और वो ये है कि आप अपने मन से लड़ाई और गुस्सा जैसी भावनाओं को खत्म कर दो। आप में से कुछ लोग इस देश की सेवा कर रहे हैं और कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप ही हैं जो इस देश का भविष्य लिखेंगे। जंग विनाश का कारण है, जो जापानियों ने झेला वो कोई देश कभी ना देखे। एक वर्ड है जिसका नाम है हेट, वो एक ऐसी चीज है
जो बढ़ती रहती है। तो ये था लिमिट से लेस का चौथा एपिसोड। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का फिर से मैं लाइक एम 1,00,000 रख रहा हूँ इस LSL एपिसोड के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम तो मैंने मांग लिया, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले टेलीविजन वाले ताकि वीडियो अपलोड होते आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके।